हे गाइस, वेलकम टू एग्जैक्ट वे। आज का ये वीडियो है जनरल साइंस पे, यानी कि सामान्य विज्ञान पे। सामान्य विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न आज किए जाएंगे जिन प्रश्नों का सीधा परीक्षा में आने का चांस बनता है। गाइस, अगर जीके आपके लिए थोड़ा सा भी समस्या का विषय है या फिर आपके लिए ये स्ट्रांग पॉइंट है और इसे और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो जरूर जाकर के जीके के इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको पता चलेगा वो क्या फालतू की चीजें आप पढ़ने लगते थे जिससे जीके से आपकी रुझान घट जाती थी। तो इस वीडियो को जरूर जाकर के देखिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, जनरल साइंस सभी चीजों को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया जा रहा है, जो कि आपके परीक्षा में आपको बहुत फायदा देगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसे कहते हैं, किस चीज के लिए यह मेजर किया जाता है और ये क्या मेजर करता है? हमने अभी तक क्या जाना है कि हम लोग जो भी चीज को मेजर करते हैं, किलोमीटर जो हम सुनते हैं, ये किलोमीटर किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो लेंथ को नापने के लिए यूज किया जाता है किलोमीटर, ये उसका एक यूनिट है। उसी तरीके से प्रकाश वर्ष जो है आपको सोलर सिस्टम गैलेक्सी में जो दो ग्रहों की दूरी के लिए को नापने के लिए मात्रक यूज किया जाता है उसे ही लाइट ईयर कहते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो इसका उत्तर है 9.46 × 10^12 किलोमीटर। ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस और आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो अंत में वो सारी टिप्स पे बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? आपका सही आंसर है 3 × 10^16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल कोशिकाएं उन्नयन क्यों ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही आंसर है कोशिकत्व क्रिया के कारण। लैंप की बत्ती में तेल कोशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? इसका सही आंसर है 1 bar। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 joule बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 10^7 अर्ग। 1 joule बराबर होता है 10^7 अर्ग। इसे जरूर से याद कर लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है जड़त्व का नियम। आई होप न्यूटन के पहले नियम के बारे में आपको पता हो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में आपको पता हो। अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल और अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स वॉन्ट अप्लाइड ऑन इट। अगर हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगा, या फिर जो वस्तु चल रहा है वो चलते रहेगा तब तक जब तक उस पे कोई अतिरिक्त या बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। इस नियम को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। न्यूटन ने 3 law दिया था मोशन पे, उसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो इसका सही आंसर है बल की परिभाषा मिलती है। बल मतलब क्या हो गया आपका? फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी पे, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना बाहरी बल लग रहा है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसका जो मास है और इसपे इस जिस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये इस पे लगने वाला बल बता देगा, यानी कि फोर्स बता देगा कि कितना फोर्स इस बॉडी पे, इस ए बॉडी पे लग रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर कितनी होती है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? आपका सही आंसर है 746 वॉट। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको जनरल साइंस के लगातार सारे चीजों को कवर कराया जाएगा, कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा। सारे सेशंस में जरूर जुड़े, सारे वीडियोस को जरूर देखें और बार बार देखें, कान में हेडफोन लगा करके बार बार देखें, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, देखते हैं कितना लॉजिकल आप सोचते हैं। अगर चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे तो दूसरा कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। देखते हैं कितना लॉजिकल सोचते हैं आप और कितना सही आंसर निकल के आता है। तो इसी से रिलेटेड दूसरा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला
प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ल्यूनिक 2। आपको अपने पार्टनर का बर्थडे या फिर एक्स पार्टनर का बर्थडे याद है या नहीं याद हो, आपको इस नाम को अच्छे से याद रखना है कि ल्यूनिक 2 चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर उसका भार उसके भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है उसका भार बढ़ जाता है। किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से द्रव की ओर ले जाने पर उसका भार बढ़ जाता है। तो आज के ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की और कुछ एग्जैक्ट वे पे आने वाले वीडियोस के शेड्यूल के बारे में, जो कि आपके एग्जाम से सीधे इंपॉर्टेंस रखता है। गाइज, इस वीडियो का सबसे ज्यादा फायदा आपको तभी पहुंचेगा जब आप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को आप खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन करने के बाद मैं 2 सेकंड का टाइम लेता हूं, वहां पे आप पॉज कर दीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए या क्वेश्चन के साथ ही आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको सुन करके वो क्वेश्चन अपना बन जाएगा। और इसे परमानेंटली अपना बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत छोटे वीडियोस हैं ये, आपको क्या करना है, इन वीडियोस को हमेशा जब भी आप फुर्सत में रहो, आप गाड़ी चलाते रहो, कहीं पे आप रुकते हो, कहीं पे रुक जाते हो, आप इस वीडियो को कान में हेडफोन लगा करके सुनो और बार बार सुनो। सुनने से बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। आपको पता होगा कि आप जब छोटे थे, क्लास में थे, जब आपके टीचर्स क्वेश्चन करते थे, तो जब भी आपके आगे वाले बच्चों से क्वेश्चन करा जाता था तो उनमें से कुछ बच्चों का आंसर करते थे और कुछ बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे होते थे, और थोड़ा थोड़ा करके आप सुन के उनके आंसर्स को पूरा आंसर कर देते थे, और सुनने से आपको आंसर अच्छे तरीके से याद आ जाता था। वही साइंस हर जगह काम करता है और यही साइंस यहाँ पे भी काम करेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनरल साइंस के रोजाना आपको यहाँ पे वीडियो में डालूंगा और वो सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा जिनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा जनरल साइंस से। तो जनरल साइंस और जीके करंट अफेयर्स के वीडियोज आपको डेली मिलेंगे और साथ में एमसीक्यूज के वीडियोज भी मिलेंगे जो कि आपको करंट अफेयर्स से होंगे, और साथ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से एमसीक्यूज मिलेंगे। इन तीनों में से हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा और अल्टरनेट डेज पे आपको मैथ्स के और रीजनिंग के वीडियोस मिलेंगे जिनमें आपको वो सारे मेथड बताए जाएंगे जिनसे आप कम से कम समय में मैक्सिमम स्कोर कर सको। और रीजनिंग तो मैं आपको बता देता हूं, 35 out of 35 का ही टारगेट रखना। रीजनिंग इतनी आसानी से आप बना सकते हो, आपको यकीन नहीं आएगा, इतना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कहीं कितना भी हार्ड क्वेश्चन आपको देखने में लगे वो आप चुटकी बजा के आंसर कर लोगे। बस आप उन सारे सेशंस के साथ जुड़ो, आप साथ में प्रैक्टिस करो, वो सारी चीजें को आप कवर कर लोगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के और सारे सेशंस के साथ। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और एग्जैक्ट वे के साथ अपनी स्टडीज को बहुत बेहतर तरीके से करें। अंत में आपका एग्जैक्ट वे के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।